कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से कामकाज हो रहा है, खाद तेल बाजारों की जानकारी, मार्केट के भाव क्या रहे, सभी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही KLCC सीबॉट पे किस तरीके से कामकाज हुआ वो भी आपको जानकारी देंगे। और आपको मालूम है मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है, उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया। रिपोर्ट पे हल्का सा निगेटिविटी बाजारों में देखी गई थी। अब बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में आप USDA की, जो आपको मालूम है USDA की जो रिपोर्ट आने वाली है उस पर किस तरीके से बाजार रिएक्ट करेगा। तो आज बाजार में वो भी रिपोर्ट आनी है। USDA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नई सोया की फसल की अगर बात करी जाए तो 128 लाख टन आकी गई है। रिपोर्ट पर भारत में ज्यादा बारिश से फसल को नुकसान का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि बारिश हुई है तो बहुत ज्यादा भारत की फसलों में नुकसान देखा गया है। यील्ड 980 किलो आकी गई है। इस साल कृषि की अगर बात करी जाए तो 126 लाख टन आका गया है। मिल उत्पादन 93.60 लाख टन आका गया है। अगर बात कर ली जाए रिपोर्ट से, इस बात से बेखबर है कि साउथ अमेरिका में बड़ी फसलों में भारत में मील एक्सपोर्ट खतरे में है। प्लांट 4892 रुपए की MSP पे सोयाबीन की क्रश नहीं कर सकते। मील एक्सपोर्ट मुस्लिम में आप देखेंगे मुश्किल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रश भी कम रहेगा और मील में उत्पादन भी कम रहेगा। अगर बात करेंगे क्रश कम होगा तो 22 लाख टन तेल उत्पादन में दावे भी खारिज होते हुए नजर आएंगे। इस सीजन में तेल इंपोर्ट लगभग 6.5 लाख टन बढ़कर 37 लाख टन होता हुआ दिखाई देगा। तो जो खबरें निकल के आ रही है, USDA की जो रिपोर्ट आने वाली है वो बाजारों के लिए पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। उसका बाजारों में पॉजिटिविटी के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। कल एक बड़ी खबर निकल के आई, जैसे कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में कई जगह जो चर्चा हुई कि महाराष्ट्र में, आपको बता देते हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में सभी तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग में ट्रेड के साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। सरकार को चिंता है कि इंडस्ट्री विदेशी मंदी के कारण भी इंडस्ट्री में MSP पे सोयाबीन अभी फिलहाल नहीं ले सकेगी। जैसे कि आपको मालूम है कल शिवराज सिंह चौहान का एक स्टेटमेंट आया कि महाराष्ट्र में सबसे पहले MSP पे खरीद चालू होगी, उसके बाद MP वगैरह में भी बाजारों में MSP पे खरीद चालू होगी। उसका सीधा असर बाजारों में देखा कि बाजारों में एक तरफा तेजी देखने के लिए मिली। और सरसों के बाजारों में आप देख के चल सकते हैं, लगभग सरसों के बाजार में एक दिन में 300 रुपए की तेजी, तेल के बाजारों में 3-4 रुपए किलो की तेजी सभी बाजारों में देखने के मिली। बाजारों में जबरदस्त तेजी बाजारों में देखी जा रही है। मार्केट पे नेफेड की धीरे धीरे बिकवाली की वजह से सरसों में तेजी है और विदेशी बाजारों से बायोडीजल में जो पामोलिन का जो ब्लेंडिंग के लिए यूज बढ़ने की जो खबरें आ रही है उसकी वजह से पामोलिन में बाजारों में KLC की गिरावट होने के बावजूद भी बाजारों में तेजी आपको देखने के लिए मिल रही है। आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले आपको मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का हमारा शो मत मिस करिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डायरेक्ट आप देखेंगे तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आपको वहां पर QR कोड भी आ रहा होगा, वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं और मार्केट के व्यू के हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम किस तरीके से मार्केट के भाव रहे। तो सोया ऑयल का लोकल बाजारों में भाव 104 रुपए, पामोलिन का बाजार 102 रुपए, राइस ब्रान ऑयल का बाजार 101 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 135 रुपए, सोयाबीन सीड 4860 रुपए पे कामकाज, जबकि कांडला पोर्ट 956, फॉरवर्ड 944, पामोलिन का बाजार 990, सोया रिफाइंड 980, सोया डीएम 900 रुपए, फॉरवर्ड में 875, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 990 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। कल की अगर KLC की बात करी जाए तो -23 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज देखा गया, जबकि सीबॉट भी आप देखेंगे -76 सेंट की सीबॉट पे गिरावट देखी गई। सुबह KLC की बात करें तो -14 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। फिलहाल इस समय KLC प्लस चल रही है। मार्केट पे जबरदस्त तेजी है, बाजारों में तेजी आने का मुख्य कारण है पाइपलाइन खाली है। लोग बहुत ज्यादा मंदी में थे और बाजार में लोगों ने जरूरत के हिसाब से खरीदारी करी और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पीछे फॉरेन की वजह से जो खबरें आ रही है, रिंगिट मजबूत हो रही है, नेफेड की बिकवाली कम हो रही है सरसों में, उसका सीधा असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक आपको बता दिया बाजारों में क्या तेजी है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, आप हमको यूट्यूब पे देखें, फेसबुक पे देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।